बाकी सारे लोग आए भैया, सिर्फ आस्था नहीं है ना, बाकी सब हैं या और लोग आए हैं? जो लोग आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैथ वाले नहीं, बस आस्था नहीं है ना। एयरफोन कनेक्टेड है? आवाज मत बोला करिए, मैं पहले बोल देता हूँ कि वहाँ पे मत बोला करिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद बैलेंस नहीं रहता, आपको पता है ना, ईयर इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, इसको लगाने के बाद इधर ही दिमाग लगा रहता है भारी भारी सर, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ क्लास स्टार्ट करने के पहले कि अगर कुछ पूछना है तो ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, बोलता हूँ कि नहीं? उसे पूछना क्या होता है क्लासरूम में, तो आज तक कभी कुछ पूछा नहीं। हाँ बहुत छोटा लिखा था जो पहले दिन ना, बाद में तो सुधार दिया ना उसको। एयरफोन लगा लीजिए और दोनों जोड़ने में दीजिए। हाँ एक को जेब में डाल दीजिए। एक दिन भैया टेक्निकल एरर आप लोग के सामने गया था ना, आवाज नहीं आ रही थी, तो उस दिन भैया ये दोनों हेडफोन के लेफ्ट एंड राइट कॉलम ने आपस में दोस्ती कर ली, और दोस्ती का नतीजा ये निकला कि आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया है ना, जब ये दोनों ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो गए भैया, हो जाओ हाँ, ऐसे जब हो गए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद पूरे लेक्चर में आवाज गायब, लास्ट में आई 2 मिनट पहले जब इन लोगों ने भैया दोस्ती तोड़ी, लेक्चर से जस्ट 2 मिनट पहले दोस्ती टूटी भैया, जब मैं धीरे से इसको साइड किया तो आवाज वापस आ गई। पूरी टेक्निकल टीम भैया अलॉन्ग विद द बंच ऑफ इंजीनियर्स ऑफ राउरकेला NIT लगे हुए थे ये पता लगाने में आवाज कैसे गायब हो गई बीच में, बाद में पता चला भैया कि वो हमारी अपनी दोस्ती थी, ऐसे ऐसा हो गया था। ठीक भैया, ऐसा नहीं, अब मैं दोनों को अलग रखता हूँ भैया, एक को मैं कवर कर दूंगा, है ना भैया, अब कोई दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। चले भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है ना भैया, जूम नहीं है ना, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। चलो आस्था वेट तो नहीं कर रही होंगी भैया ऑनलाइन के लिए, बोला तो यूट्यूब के लिए ही है। चलो मैसेज उसे जाएगा भैया, तो ध्यान देना ग्रुप ग्रुप में। कल का एग्जाम कब है ये बताएंगे गैमो सर, अभी पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में भैया, आज की क्लास में ही आपको ये बात पता चल जाएगी। सेकंड हाफ में होगा तो ही आऊंगा, अच्छा तो ही अच्छा होगा, सेकेंड हाफ में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी, डिस्कस करना पड़ेगा सर से अभी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, दो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, इन एग्रीकल्चर, और कौन सा पढ़ा हुआ है, इन मेडिसिन, दोनों खत्म हो गया भैया, ठीक है। नीट यूजी 2022 में दो सवाल आया है, एक इंसुलिन से और एक जीन थेरेपी से। नीट यूजी 2021 में दो सवाल आया, एक इंसुलिन से एक जीन थेरेपी से। नीट यूजी 2020 में दो सवाल आया, एक इंसुलिन से एक जीन थेरेपी से। यही दो उनको पसंद है भैया बार बार। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं महाबेकार फर्जी टॉपिक है भैया, इससे कभी सवाल नहीं पूछते वो, कभी भी, बहुत रेयर केसेस में पूछते हैं भैया, इसलिए भैया मैं आपको आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका भैया, है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, सब समझाने वाली चीजें हैं मैक्सिमम, लिखने की चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी हैं भैया, है ना, तो जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां लिखाऊंगा, बाकी आप चीजें समझेंगे, ठीक है ना, बहुत जरूरी चीजें जो है वही आपको लिखनी है, ज्यादा इसमें है नहीं, क्लियर है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल। एनसीईआरटी कहती है ट्रांसजेनिक एनिमल, हम भैया ये डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम जिक्र करने वाले हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल का, हम दोनों की बात करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि पहले वो सवाल पूछे हुए हैं, बात अब बिल्कुल मत करिए भाई, बोथ प्लांट एंड एनिमल। एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या बोला, ट्रांसजेनिक एनिमल, उन्होंने ट्रांसजेनिक प्लांट का जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में एक बार पूछे हैं एक प्लांट को, बहुत पहले, नॉट इन लास्ट 10 ईयर, बहुत पहले उन्होंने एक बार पूछा हुआ है भैया, तो क्या भरोसा उनको कभी पुरानी यादें
आ जाए, तो फिर वो आप भैया एक दो एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे, वो हम साथ में पढ़ लेंगे। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। चलिए भैया शुरुआत करते हैं, आप हमें बताएंगे व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक होने का क्या मतलब है भैया? ट्रांस मतलब दूसरे का, और जीन का मतलब तो आप भैया बचपन से पढ़ते आए हो, है ना। तो दूसरे के जीन को क्या करना भैया, आपको इंट्रोड्यूस कराना है, यानी मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म। ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? पहले सुनो ना भैया, कहां पे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ तो पढ़ा ना भैया। जीएमओ की डेफिनेशन क्या थी भैया? अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जीन। दिस इज अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएमओ एंड ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट? फर्क क्या है दोनों में भैया? दोनों में नया बाहर का जीन इंट्रोड्यूस करके अल्टरेशन करोगे, नया कैरेक्टर डेवलप कराओगे। दोनों में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है भैया। अगर कोई फर्क नहीं है तो ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं हम लोग भैया, पढ़ क्यों रहे हैं अलग से? वाई कुछ तो होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, प्लांट्स और एनिमल का जिक्र है वहां पर, जीएमओ में। वहां भी बोला था क्रॉप एंड एनिमल, याद करो, बोला था ना भैया मैं बोल रहा हूं जीएमओ, वो लिख के देंगे जीएमए या जीएमसी, है ना। तो वहां पर भी क्रॉप प्लांट और एनिमल था। बताओ भैया कोई फर्क? इज देयर एनी डिफरेंस आर बोथ आर द सेम? अगर सेम होते भैया तो अलग क्यों पढ़ते? फर्क है, एंड द फर्क इज यहां पर आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करोगे गैमेटिक लेवल पे। कब? गैमीट लेवल पे, बिल्कुल लाइफ की शुरुआत में। वहां पे जीएमओ में आप कभी भी इंट्रोड्यूस कर देते थे, याद रखिएगा भैया। यहां पर आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करोगे गैमीट लेवल पे। तो जब आप गैमीट लेवल पे फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करोगे तो उस ऑर्गेनिज्म की ईच एंड एवरी सेल में वो जीन जाएगा, और जब आप कभी भी इंट्रोड्यूस करोगे भैया तो हर सेल में नहीं जाएगा, हो सकता है चला भी जाए या हो सकता ना जाए। तो इन जीएमओ द न्यू फॉरेन जीन मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। व्हाइल इन ट्रांसजेनिक प्लांट आर एनिमल, न्यू फॉरेन जीन विल बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड एट गैमीट लेवल। गैमीट लेवल पे आप भैया एंट्री करोगे फॉरेन जीन की। यही फर्क है किसमें? ट्रांसजेनिक में और जीएमओ में। लिखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू प्लांट आर एनिमल एट गैमीट लेवल एंड देयर बाय altering the genetic material this is transgenic organism। गैमीट लेवल पे आपने नया फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, दिस इज ट्रांसजेनिक एनिमल। अगला पॉइंट लिखिए, बाय डूइंग सो वी इंश्योर दैट फॉरेन जीन इज प्रेजेंट इन each and every cell of organism। ऐसा करके हम इस बात को इंश्योर कर देते हैं
कि ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल में फॉरेन जीन होगा, विच वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जीएमओ. व्हाट इज जीएमओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ये फर्क है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में. दिस इज द फर्क. तो आप एक फॉरेन जीन लाओगे और इंट्रोड्यूस कब करोगे? गैमेटिक लेवल पे. लेट सपोज करिए भैया, एक एग्जांपल लेते हैं. ये भैया किसी चूहे का क्या है भैया? स्पर्म है. और ये उसकी चूहिया का क्या है भैया? ओवम है. ठीक है. अच्छा, चूहे को भैया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइस या माउस? माउस या माइस? माइस. सेम है. माउस मींस चूहा, माइस मींस चूहे, है ना भैया? तो हा और हे का फर्क है. ठीक है. माउस मींस चूहा एंड माइस मींस चूहे. व्हाट इज चूहिया? सी माइस. हाँ, ये बढ़िया नाम है भैया. तो हम जिक्र कर रहे हैं किसका भैया? ये माइस का केस है. चूहे का केस हम भैया जिक्र कर रहे हैं. ठीक है. ये स्पर्म है, ये ओवम है. आप क्या कर रहे हो भैया? एक जैसा दिख रहा ना भैया. तो मैं चूहे के अंदर घुसकर रिसर्च करके उसका स्पर्म और ओवम देख के नहीं आया हूं कैसा है. मुझे सिर्फ एक स्पर्म की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता है, ह्यूमन का भैया. वो आपके सिलेबस में है, वो मैं पढ़ाता हूं भैया, और वो मुझे पता है कि वो कैसा दिखता है. बाकी किसी का स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता. और ये तो किसी को नहीं पता होगा चूहे का स्पर्म कैसा दिखता है. ठीक है भैया. तो इतना बड़ा इंसान का स्पर्म भैया नेकेड आई से नहीं दिखता, तो इतू से चूहे का स्पर्म पता नहीं कितने हाईटेक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्पर्म देखने के लिए भैया. जाने दो, बहुत मुश्किल काम है और मुश्किल काम हम लोग करते नहीं है. ठीक है ना भैया. चले, ये स्पर्म या ओवम दोनों में से किसी भी चीज में आप इंट्रोड्यूस करा दोगे क्या? फॉरेन जीन. और हम इंट्रोड्यूस कराएंगे भैया किसका? अपना. अपना मतलब इंसान का. हाँ, मेरा नहीं. ठीक भैया. यहां पर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे भैया ह्यूमन जीन. कितनी सारी बातें हो रही भैया, बातें मत करिए. ठीक है. सेंसर मेरे कानों का बहुत तेज हो गया है, अब तुरंत पिक कर रहा है अनवांटेड नॉइस, तो मत करिए भैया. ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया. किसमें? इसके अंदर भैया. अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनेगा जायगोट, है ना भैया, बनेगा जायगोट. सपोज करिए भैया, ये जो आपने ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस किया वो ऐसा था, तो इस जायगोट में वो ह्यूमन जीन पहुंच जाएगा. ठीक है. अब अगर जायगोट में ह्यूमन जीन है तो चूहे के हर एक सेल में होगा ह्यूमन जीन. हमने चूहे को ट्रांसजेनिक बना दिया. यही है ट्रांसजेनिक एनिमल. एग्जांपल लिखिए भैया. हमने अभी तक बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं, जैसे हमने रैट बनाया. अच्छा, रैट और माउस में फर्क क्या है? एक छछुंदर है. छछुंदर नहीं है यार, एक छोटा होता है एक बड़ा. कौन छोटा होता है? रैट छोटा होता है ना भैया, और माउस बड़ा होता है. यही फर्क है ना, या तो उल्टा होगा. माउस नहीं करेगा. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च, है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस? फिलहाल लिख लो भैया. रैट में हमने किया, हमने किसमें किया भैया? सीप में किया. हमने काऊ में किया. बहुत सारे एग्जांपल है भैया, तीन लिख लो. कौन कौन से? रैट, सीप, काऊ. और यहां तो एक लिखा ही हुआ है भैया, कौन? माइस. और आपको यह जान के बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि हमने जितने ट्रांसजेनिक एनिमल आज तक बनाए हैं उनमें 95% से ज्यादा माइस है, है ना. मैंने क्या बोला था भैया? बहुत अत्याचार हुआ है लोगों के ऊपर, जेनेटिक्स से अत्याचार चल रहा है, याद करो, है ना. जेनेटिक्स से जितने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए उसमें 95% से ज्यादा माइस है. और ये नीट में ये सवाल पूछा जा चुका है. ठीक है, लिखेंगे ओवर 95%
ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल, ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। जो टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल हमने आज तक बनाए हैं उनमें 95% से ज्यादा क्या है, माइस है। इमरजेंसी कॉल लग गई अपने आप, जेब में रखे रखे भैया इमरजेंसी कॉल लग गई। चलो भैया डन। फायदा क्या होगा, पढ़ाऊंगा ना अभी आगे पहुंचने तो। भैया मैंने आपसे क्या बोला भैया, टॉपिक खत्म करने दिया करो। टॉपिक खत्म होने के बाद आपके मन में कोई सवाल बचेगा ही नहीं, जो आप सोच रहे हो वो मैं सोच चुका हूं। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या इस समय चल रहा होगा, तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी बोल दूंगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% यहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल माइस से भैया। चलो अब देखो, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, कोई बताएगा? सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट, ये नीट में, ओ सॉरी एनसीईआरटी में नहीं है और नीट में एक बार पूछा, बहुत पहले, सदियों पुरानी बात है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है? तंबाकू, बोलो जुबा, केसरी। टोबैको इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। चलो भैया जब फर्स्ट की बात चली रही है तो बता दो फर्स्ट जीएमओ क्या है, कौन? ई कोलाई। फर्स्ट जीएमओ है बीटी कॉटन। अब भैया जब इतना पैसा खत्म हो ही रहा है तो लगे हाथ एक चिप्स ले ही लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, पहली ट्रांसजेनिक काऊ का नाम कोई बताएगा? बहुत सुंदर नाम रखा था इसके घर वालों ने, क्या नाम है? सुंदरी। इसका नाम है रोजी, क्या नाम है? रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है रोजी। ये भैया तीन फर्स्ट आपको याद रखने हैं और आपको जानकर खुशी होगा कि सिर्फ एक का एनसीईआरटी में जिक्र है, रोजी है ना, बाकी दोनों एनसीईआरटी में नहीं है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको, फर्स्ट जीएमओ बीटी कॉटन, एंड फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी। क्लियर बात है भैया? चलें, आप जिक्र करेंगे किसका भैया? अभी तक हम सब कुछ एनिमल का डिस्कस कर रहे थे भैया, हमने यहां पे प्लांट लिख दिया था, क्यों लिखा था वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल की। लिखिए एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल, रहने दो भैया, डायरेक्ट इसमें कंटिन्यू करो, हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। लिखिए भैया मैं यहां पे एक चीज लिखने जा रहा हूं, वो आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। मैं लिख रहा हूं फ्लेवर सेवर, क्या लिख रहा हूं? फ्लेवर सेवर। ठीक भैया, फ्लेवर की स्पेलिंग, सेवर की स्पेलिंग यू आर, तो क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है? ठीक भैया, ये स्पेलिंग ऐसे ही है ना भैया, इस बार मुझसे गलती नहीं हुई है, मुझसे गलती सिर्फ आई ई ए ई ओ यू में होता है, इतनी बड़ी गलती नहीं होगी कि फ्लेवर को ऐसे लिख दूं, है ना भैया, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे वही फ्लेवर सेवर। क्या है ये भैया, कोई बताएगा? क्या चॉकलेट है? ए ओ यू ही है ना भैया, तो वही गलती हुई है। व्हाट इज फ्लेवर सेवर? दिस इज ए ट्रांसजेनिक टमाटर, है ना, ट्रांसजेनिक टोमेटो है भाई ये। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास इतना मौका है कि आप टमाटर में छेड़खानी करके कोई नया जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाट वुड बी दैट प्रॉपर्टी जो आप चाहोगे टमाटर में? डायरेक्ट सॉस बन जाए ना, सीधे सॉस बन जाए। और क्या भैया, ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है किस चीज का, गृहस्थी चलाने का, है ना भैया? आप लोग भैया कुछ बताना चाहेंगे, टमाटर में कौन सी क्वालिटी चाहता है जब कोई टमाटर खरीदने जाता है? कभी खरीदे हो? नहीं खरीदे ना भैया? हाँ हाँ, ये क्वालिटी चाहिए, मारो सर फट जाए, है ना भैया?
ये क्वालिटी चाहिए, सर फटने के लिए नहीं चाहिए भैया। जनरली क्या होता है भैया, जब आप टमाटर खरीदने जाते हो, आप कभी गए नहीं हो, पापा से पूछोगे तो बताएंगे, या पूछने की जरूरत नहीं है, एक बार बस पापा के साथ चले जाओ टमाटर खरीदने, टमाटर उठाते हैं ऐसे दबाते हैं, और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा टाइट है तो लेकर आते हैं, अगर थोड़ा सा अगर वो गीला है भैया, बहुत ज्यादा वो है तो नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? वो जल्दी खराब हो जाएगा ना, वो जल्दी खराब हो जाएगा ना भाई। तो अगर एक किलो टमाटर ला के घर में रख दिया भैया फ्रिज में, तो अगर थोड़ा सा टाइट है तो तीन दिन चार दिन चल जाएगा, और अगर वो बहुत ज्यादा पका हुआ है, बहुत ज्यादा राइपेंड है, तो उस कंडीशन में वो एक दिन में दो दिन में खराब हो जाएगा। ये जो हमने बनाया फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो, ये कैसा था भैया? ये डिलेड राइपनिंग वाला था, तो इट रिमेन्स यूजेबल फॉर द लॉन्गर पीरियड। ये बहुत देर में पकता था, आप लाके मार्केट से रख दोगे तो आप आराम से 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हो उसको। डिलेड राइपनिंग लिखिए। ट्रांसजेनिक टोबैको हमने बनाया, ओ टोमेटो बनाया विच हैव डिलेड राइपनिंग, डिलेड राइपनिंग। हाँ भैया, बायोलॉजिकल नेम नहीं है, यही नाम दिया गया ट्रांसजेनिक को। डिलेड राइपनिंग दैट मीन्स रिमेन्स यूजेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये आपने बनाया क्या? टमाटर। ये एनसीईआरटी में नहीं है, और इन्हीं की वजह से मुझे ये लिखना पड़ा ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने इसका जिक्र नहीं किया, और ये एक बार नीट में आया है बहुत पहले, अब नहीं आता भैया, है ना। तो फ्लेवर सेवर इज अ ट्रांसजेनिक टोमेटो जिसमें डिलेड राइपनिंग है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूजेबल रहता है। दूसरा लिखो भैया, एक और लिखो। एक और आपने ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया है, वन मोर ट्रांसजेनिक टोमेटो, और इस बार आपने क्या कराया पता है? इस बार आपने इसको साल्ट रेजिस्टेंट बनाया, है ना, कि इस पे नमक डालने से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। दिस वन इज साल्ट रेजिस्टेंट। इसका नाम नहीं पता है भैया, बस सीधे लिखो ट्रांसजेनिक टोमेटो, नीचे लिखो साल्ट रेजिस्टेंट। एक आपने पोटैटो बनाया, ट्रांसजेनिक पोटैटो। नॉर्मली पोटैटो में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या पाते हैं आप पोटैटो से? क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। आपको भैया एक ऐसा पोटैटो चाहिए था जिसमें खूब ढेर सारी प्रोटीन हो, है ना भैया, इंक्रीज्ड प्रोटीन कंटेंट। हाँ भैया पोटैटो ही है, लेकिन प्रोटीन वाला पोटैटो है। हाँ पोटैटो है, इंक्रीज्ड प्रोटीन कंटेंट पाया गया किसमें? इस ट्रांसजेनिक पोटैटो में। ठीक भैया, चलो और लिखो। हाँ बहुत डीप में जा रहे हो, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, सोचो जहां तक सोच सकते हो सोचो, दिमाग को खुला छोड़ो, जितना सोच सकते हो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करिए, तभी आप बेहतर रिजल्ट लाएंगे। ट्रांसजेनिक पोटैटो इंक्रीज्ड प्रोटीन कंटेंट होता है भैया। चलो आप जो मैं लिखने जा रहा हूं आपको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, गेस करेगा कोई क्या लिखने वाला हूं? इकोलाई नहीं लिखूंगा भैया, इस बार मैं आपको पसंदीदा जानवर लिखूंगा, ट्रांसजेनिक सुअर। ट्रांसजेनिक सुअर नहीं पसंद है ना भैया? आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आपके मन में इच्छा होगी, काश मैं एक सुअर पाल लूं। हाँ ठीक भैया, आज तक नहीं पसंद है, आज के बाद पसंद होगा। ठीक, देखो ट्रांसजेनिक पिग भैया, पहले के जमाने में, सुनो भैया सब लोग ध्यान से, पहले के जमाने में हम क्या किया करते थे, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सुअर का इस्तेमाल करते थे। किडनी किसी को जरूरत पड़ती थी, हम किसकी लाते थे? सुअर की। पैंक्रियाज, लीवर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इंसानों में हम जो ऑर्गन लगाते थे वो हम पिग का इस्तेमाल करते थे भैया। और एक तो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, इंसुलिन हम किससे निकालते हैं? पिग से, है ना। तो ये पिग का इस्तेमाल हम सदियों पहले से करते आए हैं, किसके लिए? किसके लिए? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। समस्या सिर्फ क्या होती थी भैया? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, किसी किसी की बॉडी भैया इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने के बाद उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती थी तो वो जिंदा रह जाता था, और किसी किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी तो उसकी डेथ हो जाती थी भैया। सुबह सुबह डीपीएस में पता चला मुझे इस बारे में, आज नहीं कल बताया गया था कि अभी कुछ दिन पहले, दो तीन महीनों पहले, एक
पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, सच है भैया ये बात? लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो गई क्योंकि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट प्रॉपर काम नहीं किए और रिजेक्ट कर दिया उसकी बॉडी ने उस हार्ट को। प्रॉब्लम थी ना भैया, तो आप इस्तेमाल तो कर सकते थे लेकिन समस्या थी कि अब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, है ना। अब आप क्या करोगे भैया, अब आप हो गए समझदार, अब आप क्या करोगे, अब जब दो सुअर की शादी होगी और उसी समय सुअर में क्या डालोगे, क्या डालोगे, ह्यूमन जीन, सुअर के गैमीट में ह्यूमन जीन, सुअर के बच्चे में ह्यूमन जीन, सुअर का किडनी इंसान का किडनी, सुअर की आंखें इंसान की आंखें, सुअर का लीवर इंसान का लीवर, सुअर का पैंक्रियाज इंसान का पैंक्रियाज, सुअर के पास जो कुछ भी है वो आपका है। अब क्या होगा, जब आपका कोई आर्गन फेल होगा और डॉक्टर कहेगा आर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली होप, आप कहेंगे नो नीड टू वरी, आई हैव माई ओन सुअर, मेरे पास अपना सुअर है ट्रांसजेनिक वाला। आप कहोगे इसको काट के जो चाहो निकाल लो, सब मेरा है, किडनी लीवर पैंक्रियाज हार्ट आंख कान नाक कना गला जो चाहो ले लो, सब इंसान के जीन से बना हुआ है। क्लियर है भैया, दिस इज ट्रांसजेनिक पिग, है ना भाई। तो डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहला यही काम करना, एक तो सुअर पाल लेना और उस सुअर में अपना जीन डाल देना ताकि आने वाले टाइम पे कभी भी कुछ भी फेल हो नीड नॉट टू वरी, ठीक है। ऑपरेशन टेबल पे लेटने से पहले बस ऐसे इशारा कर देना, ऐसे किसकी तरफ, सुअर की तरफ, इसी का लेना है, ठीक है भैया। क्या हाँ डाल देना दाढ़ी मूछ वाला जीन भैया, टेस्टोस्टेरोन वाला डाल देना, टेस्टोस्टेरोन वाला डाल देना भैया, उसके अंदर आ जाएगा दाढ़ी मूछ, ठीक है। दाढ़ी तो शायद मूछ तो होती होगी उसको, कभी देखा है, थोड़ा बहुत नहीं होता। चलो भाई यहां आओ, दूसरे अरे जानवर के कंपैरिजन में थोड़ा कम तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होगा ना भाई। चलो ट्रांसजेनिक पिग लिखिए भैया, यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे ही आप डॉक्टर बनेंगे आप क्या करेंगे, एक सुअर पालेंगे और जहां जाएंगे सुअर लेके जाएंगे। लोग कहेंगे कितना गंदा डॉक्टर है, सुअर पाल के रखा है। आप क्या कहेंगे, ये सुअर नहीं जिंदगी है मेरी। क्या कहेंगे, ये जिंदगी है मेरी, इसमें जान बसती है मेरी भैया। कैसे, क्योंकि इसकी किडनी है मेरी किडनी, इसका लीवर है मेरा लीवर, इसका हार्ट है मेरा हार्ट, इसके दिल में मेरा दिल है, ठीक है भैया याद रखिएगा। ये है ट्रांसजेनिक पिग, ये आपने बनाया है, क्लियर बात है भैया। हाँ अब सक्सेसफुल है क्योंकि अब सेम है ना भाई, फर्क क्या है, अब तो सेम बना दिया आपने तो ये सक्सेसफुल रहेगा। ट्रांसजेनिक पिग आप रखिए, काइंडली हैव वन ट्रांसजेनिक पिग व्हेन यू बिकम डॉक्टर, खा भी लेंगे। हाँ ठीक है, ट्रांसजेनिक पिग भैया डन मामला यहां तक। एक है हाइरूडीन प्रोटीन, क्या नाम है, एक और एग्जाम्पल लिख लो भैया, हाइरूडीन प्रोटीन। कभी हाइरूडीनेरिया सुना है क्या, हाइरूडीनेरिया सुना है कभी, ब्लड सकिंग लीच है ना, उससे एक प्रोटीन मिलती है, नाम है हाइरूडीन, बहुत काम की प्रोटीन है भैया। तो आप क्या करते हो, हाइरूडीनेरिया के उस जीन को इंट्रोड्यूस करते हो ब्रैसिका नेपस में, किसमें, ब्रैसिका नेपस में, और वहां से हाइरूडीन प्रोटीन डिराइव करते हो। लिखो भैया, हाइरूडीन प्रोटीन ऑप्टेंड बाई, ऑप्टेंड फ्रॉम ब्रैसिका नेपस। ये चीज सुबह डीपीएस में छूट गई, अभी याद आया लिखते समय, उनको हाइरूडीन नहीं बताया। ब्रैसिका नेपस, ठीक है ना, यहां से मिला हाइरूडीन। ये सब एनसीईआरटी के बाहर चीजें हैं, ये जो यहां पे लिखी हैं सब एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं। दैट्स इट, ये हो गया आपका पूरा इंफॉर्मेशन किसका, ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल का। अब हम बात करेंगे भी, आपकी एनसीईआरटी आपसे दो सवाल पूछ रही है, सवाल नंबर वन, ठीक है। और सवाल नंबर वन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस, क्यों कर रहे हैं हम ये काम। और अगला सवाल जो है भैया वो बहुत ही दर्दनाक है, अगेन मर्दों के ऊपर अत्याचार है,
वहां उन्होंने लिखा हाउ डज मैन गेट्स बेनिफिटेड बाय डूइंग सो, ऐसा करके मैन को क्या फायदा हो रहा है, ओनली मैन को फायदा होता है भैया, नॉट वुमेन, या तो ह्यूमन लिखते या तो मैन ऑब्लिक वुमेन लिखते, लिखा हाउ डज मैन गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम सच एक्सपेरिमेंट सच मॉडिफिकेशन। तो भैया दो सवाल हैं, पहला इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, दूसरा सवाल मैन को इन सब चीजों से फायदा क्या हो रहा है। इसी के लिए हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, हेडिंग लिखिए यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। हम बताने जा रहे हैं भैया कि हाउ इज मैन गेटिंग बेनिफिटेड, इंसानों को फायदा कैसे हो रहा है इस ट्रांसजेनिक एनिमल को बना के, ट्रांसजेनिक प्लांट को बना के। लिखिए भैया नंबर, पहले लिखिए भैया यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ऑर्गेनिज्म लिखो भैया, क्या क्या यूजेस हैं, पहला लिखो भैया फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी। ये भैया अब आपको मैं पहले बता देता हूं कि ये एनसीईआरटी में कहानी बहुत लिखी है इस सेगमेंट में, तो जैसे मैंने आपको भैया जब पढ़ाया था याद करिए, फाइव स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, मैंने आपसे बोला था बस नाम याद रखने हैं, अंदर की कहानी एक बार सुन लो बात खत्म, ऐसे यहां पर भी है भैया, यहां पर भी आपके पास पांच यूजेस हैं, आपको बस पांचों नाम याद रखने, वही आपसे पूछे जाएंगे, अंदर की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे भी, और जो एक एक दो दो लाइन काम की है वो लिखेंगे। सबसे पहला यूज क्या है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का, द फर्स्ट यूज इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी। देखें कैसे भैया, ह्यूमन बीइंग में कितने जीन, 30,000, इन 30,000 में से कितने जीन के फंक्शन अननोन है, लेस देन 2% का नोन है, कितना 50% इज द राइट आंसर, कहां 2% में फंसे हो, 2% कोड फॉर प्रोटीन वो अलग है, ठीक है भैया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ भैया चौथे पॉइंट पे, कि मोर देन अराउंड 50% ऑफ जीन्स के हमें फंक्शन नहीं पता, मतलब 15,000 जीन के फंक्शन हमें नहीं पता है। तो भैया अगर आप किसी जीन का फंक्शन जानना चाहते हो, फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी किसी जीन का जानना चाहते हो, तो जीन उठाओ चूहे में डालो, चूहे का बच्चा पकड़ो और उससे देखो, और देखो भैया कि नॉर्मल चूहे से क्या अलग है, उसकी फंक्शनिंग को रीड करो, उसकी फिजियोलॉजी को रीड करो, और आप जान जाओगे कि उस जीन का फंक्शन क्या था। दैट्स इट, ये है पहला यूज। इसमें क्या लिखोगे आप, कुछ लिखने लायक है, कुछ नहीं, बस हेडिंग लिखो बात खत्म। दूसरा लिखो भैया सेकेंड, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी। दूसरा लिखो भैया सेकेंड यूज, स्टडी ऑफ डिसीज, बीमारियों की पढ़ाई करने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। कैसे करोगे भैया, देखो अब सपोज करो आपने कोई मेडिसिन बनाई, आप उस मेडिसिन का टेस्ट करना चाहते हो, इंसानों के ऊपर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अगर इंसानों के ऊपर करने जाओगे तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा भैया, इंसान की डेथ होगी, तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा भैया, आपका जो लैब होगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बेकार हो जाएगा आपका पूरा सिस्टम। तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है भैया, एनिमल के ऊपर चेक करना, तो एनिमल के ऊपर चेक करके आप ये एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो कि रिजल्ट वही मिले जो इंसान पे मिलेगा, नहीं रख सकते ना। लेकिन आपके पास अगर कोई इंसानों जैसा जानवर हो, अगर आपके पास कोई इंसानों जैसा जानवर हो, है तो जानवर लेकिन जीन इंसान का है, तो उसके ऊपर आप उस मेडिसिन की टेस्टिंग कर दोगे, जो रिस्पांस वहां पे दिखेगा वही रिस्पांस इंसानों पे दिखेगा, दिस इज स्टडी ऑफ डिसीज। और ये काम करने के लिए आपने अलग अलग डिसीज के ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए, मॉडल बोलते हैं भैया इनको हम, क्या बोलते हैं मॉडल, मतलब अलग अलग डिसीज की टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिया, इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल। और हमारे देश में अभी तक 4 डिसीजेस के ट्रांसजेनिक मॉडल बने हुए हैं जो आपको याद रखना है। नंबर 1 इज
कैंसर, नंबर टू सिस्टिक फाइब्रोसिस, नंबर थ्री अल्जाइमर एंड नंबर फोर ह्यूमेटाइड अर्थराइटिस। इन चार डिसीजेस के ट्रांसजेनिक मॉडल हमने बनाए हुए हैं। हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल है जिनके ऊपर हम मेडिसिन की टेस्टिंग कर रहे हैं, और आप बीमारी का नाम देख के समझ गए होंगे यही वो बीमारियां हैं जो अभी हमारी ट्रीटमेंट की रेंज की बाहर हैं। हम नई मेडिसिन बना रहे हैं, उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं लगातार। दिस इज स्टडी ऑफ डिसीज। तो स्टडी ऑफ डिसीज में आप डायरेक्ट सिर्फ ये एग्जाम्पल्स याद करोगे, मैं लिख रहा हूं। स्टडी ऑफ डिसीज लिखिए भैया, ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर मेड, ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर मेड टू स्टडी अबाउट डिसीजेस। डिसीज के बारे में पढ़ने के लिए आपने ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए हैं। कुछ ट्रांसजेनिक के एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं भैया जो बनाए गए हैं। आपने कैंसर के लिए बनाया, आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बनाया, आपने अल्जाइमर के लिए बनाया, और आपने ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बनाया। आपने कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर और ह्यूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए बनाया। याद करने के लिए भैया आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, कार, सी ए आर, सी फॉर कैंसर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए फॉर अल्जाइमर, आर फॉर ह्यूमेटाइड अर्थराइटिस। ये आपके पास चार मॉडल है ट्रांसजेनिक जिससे आप स्टडी ऑफ डिसीजेस करते हो। दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। यू आर लुकिंग इनटू द फैक्ट हाउ ए मैन इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम यूज ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज द सेकेंड वन, स्टडी ऑफ डिसीज। आप बीमारियों की स्टडी कर ले रहे हो। चलो भाई तीसरा लिखो, थर्ड वन। लिखो भैया, तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, देखो भैया आपकी भैया तबीयत खराब होती है, थोड़ा सा आपका सर दर्द करता है, तुरंत भाग के जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, बोलते हैं एक पैरासिटामॉल दे दो, बोलते हैं ना भैया एक क्रोसिन दे दो, पैरासिटामॉल दे दो, और आपको आसानी से एक रुपए में एक टैबलेट मिल जाती है या दो रुपए में एक टैबलेट मिल जाती है भैया, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना भैया, है ना। सपोज करिए भैया आपको एडीए डिफिशियंसी है, है ना, एडीए डिफिशियंसी है, किसी मेडिकल स्टोर पर जाके बोलो एक फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री एडीए सीडीएनए दे देना थोड़ा, है ना, बोलोगे जाके भैया, नहीं बोलोगे। सपोज करिए आप पहुंच भी गए ऐसी जगह पे जहां पे मिल रहा है भैया, तो उसको खरीदने के लिए आप नहीं जाओगे, आपके पापा जाएंगे अटैची लेके, है भैया, पैसों से भरा हुआ सूटकेस लेके, बहुत महंगा होगा, हाईली एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हाईली एक्सपेंसिव हैं, नेचुरली जो बनाए जा रहे हैं, उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को आप इन ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोड्यूस करवा सकते हो। एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दीज ट्रांसजेनिक एनिमल। सिर्फ आपको क्या करना भैया, उन प्रोडक्ट को बनाने वाले जीन को लाकर इनमें इंट्रोड्यूस कर दो, ये बनाना शुरू कर देंगे। दिस इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यही आपको बनाना भैया। आपने क्या बनाया, आपने बनाया अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। क्या करता है पता है, इट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। You know emphysema? क्या है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, उसको ट्रीट करने के लिए चाहिए अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। आपने उसको ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवा दिया, बहुत महंगा चीज है भैया, वो हाईली एक्सपेंसिव है, आपने उसको सस्ते में अवेलेबल कराया ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवा के। इसी तरीके से आप फिनाइल कीटोन्यूरिया को भी ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से आप सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तौर तरीके सेम होंगे, अभी उसका लेकिन मेडिसिन का नाम नहीं बताया गया, एम्फाइसीमा का बता दिया गया, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, क्लियर है। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं भैया, आपके पास एक काऊ है। कभी कभी क्या होता है भैया, एक मेडिकल प्रॉब्लम ये आती है कि किसी किसी फीमेल में आफ्टर द डिलीवरी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता,
ठीक है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको आप क्या करोगे भैया, उसको आप काऊ का मिल्क दोगे, है ना। अगर आप काऊ का मिल्क देखो क्या उतना बैलेंस्ड होगा वो जितना मदर्स मिल्क होता है, नहीं होगा। उसमें ह्यूमन प्रोटीन नहीं होगी, काऊ के मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन नहीं होगी। आपने ह्यूमन का जीन इंट्रोड्यूस किया काऊ में और काऊ से प्रोड्यूस कराया कौन सा प्रोटीन भैया, ह्यूमन अल्फा लैक्ट अल्बुमिन। प्रोटीन का नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्ट अल्बुमिन। ये प्रोटीन देगा कौन, काऊ। तो ऐसे फीमेल जिनमें डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उनके बच्चों के लिए आप ऐसी काऊ का मिल्क इस्तेमाल करोगे तो वो मिल्क नॉर्मल काऊ के मिल्क के कंपैरिजन में कैसा होगा, मोर बैलेंस्ड होगा, मोर बैलेंस्ड डाइट वाला होगा। और इसमें जो प्रोटीन मिलती है वो मिलती है 2.4 ग्राम पर लीटर, एनसीईआरटी में दिया है, नीट में आया है 2.4 ग्राम पर लीटर। इतने एग्जाम्पल है आपके पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के, लिखिए लिखिए भैया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बातें नहीं भाई, आर बीइंग मेड ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। उनके एग्जांपल में नंबर वन ए लिखिए, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये बनाई आपने, दिस इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन बनाई आपने जिसका इस्तेमाल करते हैं एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट करने के लिए। बी लिखिए सेकंड, अच्छा इसी में लिख दीजिए अल्फा एंटी, नीचे भैया क्या लिखेंगे, सिमिलर एफर्ट्स। ऐसे ही आप और क्या कर रहे हैं, सिमिलर एफर्ट वेयर मेड फॉर, ऐसे ही एफर्ट किए गए किसके लिए, फेनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। व्हाट इज पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह पहला एग्जांपल है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन आप एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए लाते हो और ऐसा ही एफर्ट करके आप फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने वाली मेडिसिन भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर भैया, ये ए था, अब लिखो बी सेकंड। अल्फा लैक्ट अल्बुमिन, अल्फा लैक्ट अल्बुमिन ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय काऊ। और ये प्रोटीन आपको मिलेगा कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। एंड इसके बारे में लिखेंगे भैया, मोर बैलेंस्ड देन, मोर बैलेंस्ड डाइट देन नॉर्मल काऊ मिल्क। किसके लिए भैया, फॉर ह्यूमन बेबीज, फॉर ह्यूमन बेबीज, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल करके आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डिराइव कर रहे हो उसका ये दूसरा एग्जाम्पल। पहला ये हो गया भैया अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन फॉर एम्फाइसीमा, सिमिलर इफर्ट फॉर पीकेयू एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरा एग्जाम्पल ये भैया
अल्फा लैक्ट अल्बुमिन निकाल रहे हो, ये काऊ में ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस करके ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क डिराइव कर रहे हो, जो ह्यूमन बेबीज के लिए एक मोर बैलेंस डाइट है एज कंपेरिजन टू मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल काऊ। बैटरी लो हो गई भैया। नहीं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बंद नहीं हुआ था? 45 मिनट हो रहा है, हो रहा है। चलो बढ़िया, कैसे बंद हो गया अपने आप? चार्ज तो हो रहा है ना? हाँ चार्ज तो है, हो रहा है ना, 1% अवेलेबल। कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, चार्ज नहीं हो रहा है ना? हो रहा है, अभी हो रहा है, अब हो रहा है, छोड़ दिया था। चलो ठीक है, देखता रहूंगा। हो रहा है, हो रहा है। बताओ भैया, इस काम में आप ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? एक ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाओ जिसमें इंसानों के जीन डाल दो और फिर उनके ऊपर वैक्सीन टेस्ट करो। पहले के जमाने में भैया, या अभी भी हम कर रहे हैं, किसके ऊपर सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा वैक्सीन की टेस्टिंग हम किसके ऊपर करते हैं भैया? मंकीज के ऊपर। वाई? ऑप्शन नंबर वन, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। मंकीज के ऊपर सेफ्टी टेस्टिंग किए जाने की वजह, ऑप्शन नंबर वन, वी हेट मंकीज। ऑप्शन नंबर टू, वी डोंट लाइक मंकीज। कोई फर्क नहीं भैया। ऑप्शन नंबर थ्री, मंकीज से हमें डर लगता है। ऑप्शन नंबर फोर, मंकीज हमारे रिश्तेदार हैं। यही सही है ना भैया? देखो कितने गर्व से आप लोग स्वीकार कर रहे हो कि बंदर हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, है ना? आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बंदर के रिश्तेदार हैं। ठीक भैया, वी ऑल आर रिलेटिव्स ऑफ द बंदर। अच्छा, इस बात के हमारे पास सफिशियंट प्रूफ है, है ना? 80% ऑफ द जीन हमारे मैच करते हैं किससे? मंकीज से। 80%। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बना के हम कर क्या रहे हैं? हम अपने जीन जैसा ही एनिमल बना रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी अपने जीन जैसा एनिमल है,
कौन है भैया? मकाका। कौन है? मकाका। आपके पास ऑलरेडी बंदर है जिसके पास 80% जीन मैचिंग वाले हैं। तो अभी तक हम मंकीज का इस्तेमाल कर रहे थे सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए। फिर हमने भैया ट्रांसजेनिक एनिमल का इंट्रोडक्शन किया, एंड ट्रांसजेनिक एनिमल में भी हम कौन सा लेकर आए? चूहा। ट्रांसजेनिक माइस का हमने इस्तेमाल किया टेस्टिंग करने के लिए, और सबसे पहली बार हमने टेस्टिंग किया सक्सेसफुली। पोलियो वैक्सीन जो बनाई गई थी दैट वाज टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक माइस, ये नीट में पूछा जा चुका है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग वाज डन बाई यूजिंग ट्रांसजेनिक माइस। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर वैक्सीन की सेफ्टी कर रहे हैं, एंड इफ फाउंड टू बी सक्सेसफुल एंड रिलायबल देन दे विल रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज, मंकी के यूज को रिप्लेस कर देंगे। डन भैया, इतनी सी बात लिख लो वैक्सीन सेफ्टी में। लिखो, पोलियो वैक्सीन वाज टेस्टेड बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक माइस। बस यही एक लाइन काम की है, बाकी कुछ लिखना है भैया? कि ट्रांसजेनिक एनिमल अगर सक्सेसफुल रहे तो हम बंदर को छोड़ देंगे, ये लिखने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है भैया। बाकी आप साथ में एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो ना घर पे, या छोड़ दिए हो? पढ़ते रहना भैया एनसीईआरटी घर पे, ठीक है ना? ये चैप्टर थोड़ा नहीं हुआ है ना, पढ़ लो, कोई भी चैप्टर में लापरवाही नहीं, सब कुछ पढ़ो भैया। तो वैक्सीन सेफ्टी में मैंने आपको बता दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है भैया कि इंसान का जीन निकालो, किसी ऑर्गेनिज्म में डालो, उसको इंसान जैसा बनाओ, उस पर वैक्सीन डालो, अगर रिलायबल है तो यूज करो, नहीं तो मत यूज करो। यही बात है भैया, बात खत्म। ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है जो नीट में आई है, तो आपने लिख लिया। ये भी बता दिया कि अभी तक मैक्सिमम टेस्टिंग मंकीज पे हो रही है, अगर ट्रांसजेनिक एनिमल रिलायबल और इफेक्टिव सक्सेसफुल हुए तो मंकीज को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? डायरेक्ट उनको थोड़ी ट्रांसजेनिक बनाना है। मंकी का इस्तेमाल करने पे रोक है भैया, क्यों? क्योंकि वो बड़ा जानवर है, है ना? वो मरेगा तो दिखेगा, चूहा मरेगा तो धीरे से इसे लैब में से उठाया, जेब में डाल लिया, बाहर निकले भैया, बाथरूम गए, आराम से सुसु के साथ उसको भी प्लस कर दिया, काम खत्म, काम खत्म। किसी को रातों रात खबर नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया था। इतना बड़ा बंदर लेके कहां जाओगे, मर गया तो कहां लेके घूमोगे भैया, नहीं घूम पाओगे ना, है ना भैया? ये मजाक की बात है भैया, रियल की बात ये है कि मंकीज का जो है इंपॉर्टेंस रैट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, चूहों के कंपैरिजन में। हाँ भैया, पांचवा लिखिए, फिफ्थ, केमिकल टेस्टिंग। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये दो हेडिंग अलग अलग क्यों हैं, क्या फर्क है भैया? जैसे वैक्सीन भी तो एक केमिकल ही है, तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग या केमिकल टेस्टिंग, दोनों में फर्क क्या है भाई? एक ही बात है, वही जीन लाएंगे, ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, केमिकल लाएंगे, टेस्ट करेंगे, जानवर जिंदा तो रिजल्ट सक्सेसफुल, जानवर मर गया तो रिजल्ट फेल। बस हेडिंग लिख लो, बात खत्म। केमिकल टेस्टिंग, ये पांच यूज हैं किसके? ट्रांसजेनिक एनिमल की। तो एनसीईआरटी ने सवाल पूछा था, हाउ इज मैन गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस? आपने जवाब दिया भैया कि ये पांच फायदे हैं जिसका इस्तेमाल करके मैन क्या हो रहा है भैया? बेनिफिटेड हो रहा है। डन बात है भैया, क्लियर? यही पांच आपको पढ़ने थे। मेडिसिन टेस्टिंग में भैया, केमिकल टेस्टिंग में आपको एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है कि मेडिसिन की टेस्टिंग करने के लिए काम करते हैं। अच्छा, एक चीज कर सकते हैं आप केमिकल टेस्टिंग में, थोड़ा सा चीजों को इनहांस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया? अगर आप चेक करने जा रहे हो किसी केमिकल का इफेक्ट, तो जनरली क्या होता है भैया कि किसी किसी की बॉडी पे बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है, किसी की बॉडी पे धीरे से रिस्पॉन्स करता है। तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल को ऐसा बनाओ जो हाईली सेंसिटिव हो, हाईली सेंसिटिव हो, यानी किसी केमिकल को पाते ही तेजी से रिस्पॉन्स करता हो, तो कम से कम आपका टाइम बचेगा, है ना? बहुत कम समय में बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा आपको एज कंपेरिजन टू द नॉर्मल ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक एनिमल
कैन बी मेड मोर सेंसिटिव देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल एंड दिस विल हेल्प यू इन टेस्टिंग इन अर्ली टाइम। ठीक है, लिखना चाहेंगे आप ये बात? लिखना चाहेंगे? ठीक है, एक दो लाइन लिखी लो भाई, जब इतना मेहनत कर रहे हो तो लिख लो। लिखो भैया, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कोई केमिकल बनाओगे वो टॉक्सिक तो नहीं है इस बात की टेस्टिंग करोगे, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। लिखो भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड मोर सेंसिटिव, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक टू केमिकल्स। सो दैट दे कैन रेस्पॉन्स अर्ली। ये हो गया भैया आपका केमिकल टेस्टिंग में, दो लाइन आपने लिख लिया। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल, बात खत्म। ट्रांसजेनिक एनिमल की भैया बातें खत्म हुई पूरी तरीके से। ठीक है, अब भैया एक टॉपिक बचा हुआ है आपके सिलेबस में, सिर्फ नाम है एथिकल इश्यूज। लिख लिया सबने भैया? चलो पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज और चैप्टर खत्म। लिखा बहुत कुछ है भैया आपकी कॉपी में एथिकल के बारे में, लेकिन कुछ भी आपके काम का नहीं है। काम की सिर्फ दो चार लाइनें हैं, वही दो चार लाइनें आपको पढ़नी है, लेकिन कहानी आपको मैं पूरी सुनाऊंगा भैया, क्योंकि हमारा जो थीम है हम लोगों का पढ़ने का वो क्या है भैया? वर्ड बाई वर्ड, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक बार पढ़ो देन डिसाइड करो उसमें से काम का क्या है, जो काम का नहीं है उसको दोबारा मत पढ़ना, बस बात खत्म। ठीक है, लिखेंगे सिर्फ उतना जो आपके काम का है। लिखिए भैया एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज। देखो भैया, पिछले 15 दिनों से आप क्या कर रहे हो? पिछले 15 दिनों से आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ भैया छेड़खानी कर रहे हो, है ना? आप उनके डीएनए में कोई नया डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना? तो यहां पर एनसीईआरटी आपसे कहती है भैया कि आपको कुछ एथिक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। एथिक्स का मतलब भैया मोरालिटी, है ना? तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे मोरालिटी का, सिर्फ हेडिंग लिखना है आपको भैया, उसमें कुछ लिखने को नहीं है, है ना? तो एथिकल इश्यूज में भैया दो चीजें आपको डिस्कस करनी है, द फर्स्ट वन इज मोरालिटी एंड द सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। पहला हम डिस्कस करेंगे मोरालिटी। चलो भैया मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, और मोरालिटी से तो आपको कोई लेना देना है नहीं, दूर दूर तक हमारे जीन्स में मोरालिटी नाम की चीज नहीं है। एनसीईआरटी भी आपको इमोशनल कर रही है, और क्या कह रही है भैया? कह रही है कि आप इंसान हैं और वो जानवर हैं, आप इंसान क्यों बोले गए? आप भी जानवर हो, आपको पता है भैया ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल, आप भी एनिमल हो भैया, एनिमल किंगडम में ही है मैमल, कहीं और नहीं है, है ना? तो आप जानवर हो, यू आर टू ए जानवर, दे आर टू जानवर, दोनों जानवर हैं भैया, तो आप उनसे अलग क्यों हो? आपको जानवर क्यों नहीं बोला, आपको इंसान बोला है, क्योंकि आपके पास माइंड है, नर्वस सिस्टम आपका वेल डेवलप्ड है, आपके पास सेल्फ कॉन्सियसनेस है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपके पास थोड़ी सी मोरालिटी होनी चाहिए, है ना? आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए किसी दूसरे को मार दे रहे हो, ये कहां की इंसानियत है? आप तो खुद जानवर हो गए भैया, आपके जो काम है वो जानवरों वाले हैं, इंसानों का काम तो ये नहीं हो सकता ना भाई कि अपने फायदे के लिए दूसरे को मार दो, ये मोरालिटी नहीं है। अगर आप मोरालिटी को लेकर चलना चाहते हैं तो आप ये काम मत करिए, ये बुरा है, है ना? तो ये एनसीईआरटी आपको मोरालिटी सिखा रही है। ठीक है भैया, आप क्या कहेंगे? हमसे कोई मतलब
नहीं है। साइंटिस्ट ने भी यही कहा, पता है साइंटिस्ट ने क्या कहा इसके जवाब में? साइंटिस्ट ने कहा कि भैया हम दो चार जानवरों को मार रहे हैं तो लाखों इंसानों को बचा भी रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं, हम मेडिसिन बना रहे हैं, तो उससे लाखों लोगों की जान बच रही है, दो चार मर जाते हैं तो क्या होता है। तो इसके जवाब में नेचर ने क्या कहा पता है? ये जो अर्थ है जो मैंने बनाई है, इस अर्थ पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक इस अर्थ पे उस छोटे से कीड़े का है जो इतना बड़ा होता है, जो आके आपसे थोड़ा सा अपना गैमेटोसाइट लेने की कोशिश करता है और आप मार के खत्म कर देते हो। भैया जितना आप डिजर्व करते हो इस प्लेनेट पे रहना, उतना वो भी डिजर्व करता है इस प्लेनेट पे रहना। आप और वो इक्वली शेयर कर रहे हो इस इकोसिस्टम को, है ना भैया? जितना आपके लिए है उतना उसके लिए है। नेचर ने सबको एक बराबर बनाया। आप हाईली इवॉल्व हो, वो इवॉल्व नहीं हो पाए हैं, आपकी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका ख्याल रखना, और आप क्या कर रहे हो भैया? उनको मार दे रहे हो, है ना? तो ये मोरालिटी का इश्यू है भैया। आपको क्या करना है भैया? आपको उनके लिए थोड़ा सा जिम्मेदार बनना है, ये काम नहीं करना है। और अगर एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड टर्म्स एंड रेगुलेशंस में बात करें भैया, जो वो लिखते हैं झन्नाटेदार इंग्लिश में, तो वो कह रहे हैं कि सच जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशंस। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के भैया अब ये काम हम तुमको करने नहीं देंगे। ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना, क्योंकि मोरालिटी से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब हम रेगुलेशंस बनाएंगे, बिना रेगुलेशन को आप काम करने नहीं देंगे। फिर आपने कहा ठीक है बनाओ, हम तो इंसान है भैया, मोरालिटी माई डैश, है ना भैया, है ना? मोरालिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको डराया गया, है ना? पहले आपको प्यार से समझाया जाता है, मान गए तो ठीक, नहीं तो आपको डराया जाता है। डराया गया, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये डराना गया है भैया। उन्होंने क्या बोला आपसे कि ऐसे मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कभी अगर कुछ ऐसा बन गया जो आपके कंट्रोल में नहीं रहा तो क्या करोगे? सपोज करिए भैया आप चूहे में ह्यूमन जीन डाले और ह्यूमन जीन डाल को उसको कमरे में छोड़े, एक महीने बाद जब आप कमरा बहुत देर से कमरे में धप धप की आवाज आ रही है पीटने की, आप सोच रहे हो कमरे में कौन है? आज जब कमरा खोल रहे हैं सामने चूहा दो पैरों पे खड़ा है, हेलो मिस्टर हाउ आर यू, क्या करेंगे आप, है ना भैया? फिर पहले वो चूहा आपको दो थप्पड़ खींच के मारेगा और क्या कहेगा, इतने दिन से घर में क्यों बंद किया था बे, हमको बाहर क्यों नहीं निकाला हमको, और बाहर आएगा जो आगे आएगा दो थप्पड़ तीन थप्पड़ फटाफट मारेगा सबको भैया, है ना? दिस इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भैया। आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, एंड बातें नहीं भैया, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस मे हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। कभी अगर कुछ ऐसा बन गया जो इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है तो आप क्या करोगे, ये डराया गया भैया। तो दीज आर द टू थिंग्स, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू। क्या लिखेंगे इसमें आप? है कुछ? कुछ नहीं, बस भैया आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, है ना? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में लिख लो भैया। क्या लिखोगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में? जेनेटिक मॉड, एक एक लाइन दोनों में लिख लो भैया, जब लिखा हुआ है तो एक एक लाइन। मोरालिटी में लिख लो भैया, डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। बिना रेगुलेशन के अब हम आपको ये काम करने नहीं देंगे। क्योंकि आप चूहे को भैया लैब में मार के फेंक दे रहे हो, बेचारी चूहिया का जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में भी भैया एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे? जेनेटिक मॉडिफिकेशंस मे प्रोड्यूस अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। That may be harmful
when introduced in ecosystem, ये दो बातें भी हैं आपके सामने, एथिकल इश्यूज में मोरालिटी का जिक्र किया गया और किसका जिक्र किया गया, दूसरा आपसे जिक्र किया गया बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का, कि भैया आप जो कर रहे हो इसमें आप एक बेजुबान जानवर को मार दे रहे हो और ऐसी चीजें अब और नहीं चलेंगी, हम इनको रेगुलेट करेंगे, और अगर आप ये चीज कर रहे हो तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि कल को हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बना दो जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो गवर्न करेगी इन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को। ठीक है, लिखिए, इंडियन गवर्नमेंट अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स दैट मे बी हार्मफुल, इंडियन गवर्नमेंट formed a organization नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं भैया इसको, GEAC, नीट में पिछले 10 सालों में दो बार पूछा गया GEAC, एक बार पूछा कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इस चीज के फील्ड में, नाम था GEAC, और एक बार उन्होंने पूछा कि GEAC का फुल फॉर्म क्या है, और जब फुल फॉर्म पूछा था तो अप्रूवल के जगह पे अप्रेजल लिखा था, क्योंकि सारे ऑप्शन में किसी में भी एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं था, तो एक ऑप्शन में उन्होंने अप्रेजल लिखा था भैया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर अप्रूवल नहीं है तो यू कैन गो फॉर अप्रेजल, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं है तो, अगर अप्रूवल है तो आप अप्रूवल पे ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज द राइट आंसर, बट जब उन्होंने सवाल पूछा तो किसी भी ऑप्शन में अप्रूवल नहीं था, एक ऑप्शन में अप्रेजल था तो उसी को लगाना पड़ा, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हाँ, नीट में पूछा गया भैया, बहुत पुराना सवाल नहीं है, है ना, शायद थोड़ा पीछे का है, करेंगे आज ही। GEAC क्या काम है भैया, GEAC के पास दो काम है, टू वर्क्स, दो काम। पहला काम क्या है भैया, कि आप जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने जा रहे हो वो वैलिड है या नहीं, इस बात को चेक करना, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप करवा रहे हो वो वैलिड है या नहीं, इस बात को चेक करोगे आप किससे भैया, इस बात को चेक करोगे आप GEAC से। और दूसरा काम क्या है इसका भैया, दूसरा काम है कि अगर आप GM रिसर्च किए उसके बाद जो बनाए उसकी सेफ्टी टेस्टिंग करना, कि अगर आप इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करोगे तो सेफ रहेगा या नहीं, चेकिंग द सेफ्टी ऑफ GM प्रोडक्ट, ये दो काम है किसके, GEAC के। सर ये प्रॉपर टेस्ट करेंगे भैया, जैसे चूहा बनाया गया, ट्रांसजेनिक माइस आप बनाओगे तो ट्रांसजेनिक माइस को कुछ दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द इकोसिस्टम, बाहर जाने से पहले भैया उसको क्या करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे,
कुछ दिनों तक, रिजल्ट देखेंगे कि क्या वो बहुत खतरनाक तो नहीं है, ऐसा चूहा तो नहीं बना दिया कि बाहर जाके इंसानों को पीट दे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक भैया, ये बात खत्म हुई किसकी भैया, एथिकल इश्यूज में। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके सामने, नाम है बायोपायरेसी, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है बायोपायरेसी। कोई बताएगा व्हाट इज पायरेसी? चोरी करना, है ना भैया, दिस इज चोरी करना। पायरेसी मतलब चोरी करना भैया। कोई डायरेक्टर है और वो दिन रात मेहनत करके 6-6 महीनों में, 1-1 साल में, 2-2 साल में मूवी बना रहा है, 200-200 300-300 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो भैया, 10 रुपए का रिचार्ज करा रहे हो, 10 रुपए का आप रिचार्ज करा रहे हो, 2 GB आपको डाटा मिल रहा है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भैया देख के मस्त हो जा रहे हो मूवी। क्या वो 10 रुपए जो आपने दिया वो उस मूवी के डायरेक्टर को मिला? नहीं, लेकिन आपने उस मूवी के कंटेंट का इस्तेमाल किया। क्या आपने इजाजत ली उस मूवी के डायरेक्टर से? नहीं। क्या आपने उस मूवी के डायरेक्टर को पेमेंट किया? नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल किया। यही है क्या भैया, ये है पायरेसी। एंड बायोपायरेसी का मतलब क्या भैया, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपका नहीं है। सेम यही डेफिनेशन है भैया, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट आर एनिमल, फॉर मत लिखो भैया, मैं लिखा दूंगा अभी, है ना, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट आर एनिमल विदाउट कंपनसेटरी अर्थराइजेशन एंड पेमेंट। आप उससे ना तो अर्थराइजेशन लिए हो, ना इजाजत लिए हो, ना उसका कंपनसेटरी उसको पेमेंट दिए हो। बिना इजाजत के, बिना पेमेंट के किसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, दिस इज बायो पायरेसी। यही आपका टॉपिक है। एनिमल को बनाने वाले से, है ना, प्लांट को बनाने वाले से, एनिमल को बनाने वाले से, सभी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, लिखो भैया। बायो एनिमल अपना खुद का थोड़ी ना है, वो तो आपका हो गया ना, जिसने बनाया उसका हो गया, प्लांट उसका हो गया जिसने बनाया। हाँ, प्लांट एनिमल चुरा लेते हैं, अभी बताता हूं भैया। आपका बासमती पता है आपको, बासमती राइस आपका है ना भैया, बासमती राइस अब आपका और नहीं है, पहले आपका था, अब आपका नहीं है, अमेरिका ने चुरा लिया। हाँ ठीक है, चावल आपका चुरा लिया, किसने? अमेरिका ने। डिस्कस करेंगे, ये तो इसने बोल दिया कि ऐसे कैसे चुरा लिया, प्लांट और एनिमल कैसे चुराएंगे, तो एग्जांपल बता दिया। हाँ, सीधे सीधे सारी चीजें चोरी वाली हैं भैया, अभी बताता हूं भैया, है ना, सादा चोरी हो गया। लिखो भैया, बायोपायरेसी यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस, बात नहीं भैया लिखो, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज, यू नो मल्टीनेशनल कंपनी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MNCs। अच्छा, मल्टीनेशनल होने का फायदा यह भैया कि आपका सामान उठा के युगांडा में बेच देंगे अपना लेबल लगा के। अब युगांडा वालों को क्या पता कि ये इनका नहीं इंडिया का है, है ना, और युगांडा का सामान लेके आपको दे देंगे, कहेंगे हमने बनाया है। मल्टीनेशनल कंपनीज भैया ये काम बहुत धड़ल्ले से कर रही है। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंपनसेटरी पेमेंट, टू कंसर्न्ड पीपल This is बायोपायरेसी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किसी बायो रिसोर्स को उसके कंसर्न्ड पीपल से बिना इजाजत लिए
और बिना उसको पेमेंट किए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज बायो पायरेसी। ठीक है, आगे सुनो भैया। आजकल एक नया काम चल रहा है मार्केट में, पेटेंट राइट्स। व्हाट इज पेटेंट? अपना लाइसेंस, उसको अपना बोलना भैया, ये हमारा है पेटेंट राइट। आजकल क्या हो रहा भैया, आजकल एनसीईआरटी लिखती है देयर इज ए ग्रोइंग एंगर अमंग द पीपल, लोगों में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। किस बात के लिए गुस्सा भरा पड़ा भैया? गुस्सा इस बात के लिए भरा पड़ा हुआ है कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग प्लेसेस के, अलग अलग रीजन के जो बायो रिसोर्सेज हैं, जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, उसको उठा के ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कह रहे हैं ये बिल्कुल नया है और हमने बनाया है, और फिर उसको जाके पेटेंट करा ले रहे हैं। और पेटेंट कराने का मतलब ये होता है भैया कि अब उस चीज को सिर्फ वही बेचेंगे और कोई नहीं बेच सकता, और कोई बेचेगा तो उनके साथ बेनिफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं कोई एक बुक लिखूं और उस बुक को पेटेंट करा लूं कि ये मैंने लिखी है, तो वो बुक मार्केट में सिर्फ मैं बेचूंगा, कोई और उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा मेरे नाम से बेचेगा और उसमें शेयर करेगा मुझसे उसके बेनिफिट को, उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स होगा मेरा, वो मुझे लाके देगा, दिस इज पेटेंट। तो ये आजकल खेल चल रहा है भैया, बहुत बुरी तरीके से खेल चल रहा है कि लोग दूसरों के सामान को पेटेंट करा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में भैया सामने आया कौन? अमेरिका। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है भैया, नहीं इली लिली नहीं भैया, है ना, इली लिली ने क्या बनाया था? इंसुलिन, हीमोलिन भैया। एक अमेरिकन कंपनी है, इसने क्या किया देखो जरा, इसकी कलाकारी देखो भैया। हम लोग भैया वी आर द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, नॉट रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ राइस। हमारे यहां राइस की बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, पता है कितनी वैरायटी है? कितनी? 22-23, 100-500, 2 लाख। हमारे यहां राइस की 2 लाख वैरायटी है, है ना। तो वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू राइस। और उस राइस में हमारा सबसे बेहतरीन राइस कौन सा है? बासमती राइस। अकेले बासमती के हमारे पास 27 स्पीसीज हैं, सिर्फ बासमती 27 हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है। डॉक्यूमेंटेड का मतलब समझते हो ना भैया, जिनका पूरा लिख के पूरा डिटेल रखा हुआ है हमारे पास। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ राइस हमारे पास अवेलेबल है बासमती के। ठीक है भैया, वी आर द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू राइस। और बासमती हमारा है, इस बात का हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है भैया? हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं, उसमें बासमती के यूनिक फ्लेवर और एरोमा का जिक्र किया गया है। यू नो एरोमा? क्या? स्मेल, प्लीजेंट स्मेल भैया, है ना, उसके बारे में जिक्र है एंशियंट टेक्स्ट में। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या है भैया? फोकलोर। व्हाट इज फोकलोर? जो पुराने रिलीजियस कमिटीज होती थी, बोलचाल, उनकी भाषाओं में भी कई जगहों पर बासमती का जिक्र है। जो एंशियंट पोएट्री है, जो पहले लोग पोएम वगैरह बोला करते थे, उसमें में भी बासमती का जिक्र है। और भैया हमारे यहां एग्रीकल्चर आज का नहीं है, 1000 ईयर पुराना है भैया, 10,000 साल पुराना या 18,000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना एग्रीकल्चर हमारे पास है। तो उतने पहले से हमारे एंशियंट टेक्स्ट में, पोएट्रीज में, फोकलोर में हर जगह बासमती का जिक्र है कि बासमती हमारा है। लेकिन अमेरिकन कंपनी है ना भैया, 1997 में आई और इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने उठाया आपका बासमती। ठीक है, आपका बासमती उठाया और अपना सेमी ड्वार्फ राइस उठाया, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी उठाई। ठीक है, दोनों के बीच में करा दिया क्या भैया? क्रॉस। और क्रॉस करा के बनाई एक नई, न्यू बासमती राइस, न्यू क्लेम्ड टू बी, ऐसा अमेरिका ने बोला कि यह पहला राइस है बासमती, इसके पहले बासमती जैसा कुछ नहीं था।
उन्होंने इस बात को लोगों से शेयर नहीं किया दैट दिस बासमती इज फ्रॉम इंडिया. उन्होंने कहा भैया कि हमने कुछ नया बनाया. दिस वॉज क्लेम टू बी ए नोवेलिटी. व्हाट इज मीन्ड बाई नोवेलिटी? नया, बिल्कुल नया, ये इन्वेंशन है. उन्होंने कहा कि हमने खोज की है, हमने बासमती राइस बना दिया. ये किसने कहा? अमेरिका ने. तो आपके बासमती राइस को वो लेकर गए, अपनी सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस कराया और बोला कि हमने नया बासमती राइस बनाया है. और सबसे बुरी बात क्या है पता भैया? जब तक आप सो के जाग पाते, उन्होंने इसको पेटेंट करा लिया. क्या करा भैया? पेटेंट राइट्स ले लिए. और किससे लिए? पेटेंट राइट्स उन्होंने लिया यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. ये नीट में आया है एक बार कि उन्होंने कहां से पेटेंट कराया था. तो भैया इससे पहले कि आप जाग पाते, वो यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस गए और उन्होंने इस चीज को सबमिट किया और बोला कि हमें पेटेंट चाहिए, ये हमारी बनाई हुई नई चीज है, ये हमारा है, इसको हमें दे दिया जाए. और उनको पेटेंट मिल गया. आपको ये जान के बहुत तकलीफ होगी, बासमती राइस इज नॉट आवर एनी मोर. ये हमारा नहीं है अब. ये किसका है? ये अमेरिका का है भैया. ठीक है. जबकि मैं यहां पे लिख रहा हूं भैया, वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट. लिखना शुरू कर लो भैया इसको. वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू राइस. जब बात राइस की आती है तो हम रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटीज में से एक हैं. हमारे पास 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस हैं. 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस हैं और अकेले 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी हमारे पास है बासमती की. क्या एक बार पेटेंट हो गया भैया, उसके बाद चेंज कराना इतना आसान काम नहीं है. यही आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं. अगला टॉपिक में यही बोला गया. लिख लो पहले इतना. We are the richest biodiversity when it comes to the rice. 2 लाख वेराइटी. ये 2 लाख ही है भैया, 20 लाख तो नहीं हो गया. हाँ 2 लाख ही है. 2 लाख वेराइटी ऑफ द राइस है हमारे पास और 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी हमारे पास किसकी है? बासमती राइस की. लिख लो भैया. ये सब नीट में आया है. 2 लाख भी आया है, 27 भी आया है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी आया है और बायोपायरेसी 2018 में डेफिनेशन आई डायरेक्ट. 2018 में उन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी बायोपायरेसी की. धीरे धीरे हम लोग भैया चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं. जल्दी जल्दी लिखो भैया. क्या हुआ? वो अमेरिकन टेक्समती. नाम क्या है? टेक्समती. टेक्सास में बना. टेक्समती नाम रख दिया. हो गया भाई? जल्दी जल्दी लिखिए. हाँ अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. ऑलमोस्ट खत्म है भैया, लिखना नहीं है अब. एक लाइन दो लाइन और लिखनी है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा. एक ही वॉशरूम में एक लोग गए हैं. थोड़ी देर भैया कंट्रोल करके रखिए, है ना. ह्यूमन कुछ मोटिवेटिंग स्पीच देता हूं भैया ताकि आप कंट्रोल कर सको. ह्यूमन यूरेथ्रा है ना एंड ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर. भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप थोड़ी देर तक रोक के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी.
है ना भैया, आप थोड़ी देर तक रोक सकते हो, थोड़ी देर, हाँ ज्यादा नहीं रोक सकते, ज्यादा नहीं रोक सकते जानवर, ये तो जानवर से ही पूछना पड़ेगा भाई, वो रोक सकते हैं या नहीं। चलो भाई लिख लिया, जल्दी करो भाई। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, वो भैया स्ट्रेच होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, 2-3 लीटर तो रख ही सकते हो, हाँ हाँ तब तक आप रोक के रख सकते हो, बाहर निकलना आराम से। आएगा आएगा, निकलो भाई जल्दी लिखो जल्दी, हो गया। देखो भाई आगे की कहानी सुनो, अब एनसीईआरटी आपसे क्या कह रही भैया कि ये एक हादसा तो हो गया हमारे साथ, बासमती तो गियो बासमती गया, ये अब हमारे हाथ में नहीं रहा, अभी अभी मुझे पता चला कि बासमती हैज नाउ बिकम टेक्समती, है ना, बासमती को टेक्समती बना दिया, ये बच्चा बोल रहा है कि टेक्सस में ये कांड हुआ तो बासमती बिकम टेक्समती, हमारे हाथ से बासमती गई, ठीक भैया, बासमती गई तो हम इस बात का ध्यान देंगे भैया कि बाकी मती बची रहे, है ना, और कोई हाथ से ना जा पाए। एनसीईआरटी आपसे कहती है इफ वी आर नॉट विजिलेंट एनफ, व्हाट इज विजिलेंट, चौकन्ना, जो पॉसिबल डेंजर साइन को पहचान सके, अगर आप विजिलेंट नहीं रहे तो आपकी रिच बायोडायवर्सिटी का फायदा मल्टीनेशनल कंपनीज उठा लेंगी। एक पूरा पैराग्राफ है भैया वहां पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उन्होंने लिखा है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये आपको लिखना नहीं है ध्यान से सुन लो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो रिच फाइनेंशियली हैं बट दे आर पुअर इन बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके पास बायोडायवर्सिटी नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वी आर रिच इन बायोडायवर्सिटी बट पुअर बाय द फाइनेंसेस, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन हम बायोडायवर्सिटी में बहुत रिच हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत रिच हैं। तो वो डेवलप्ड कंट्रीज अपने पैसे का इस्तेमाल करके हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बायोडायवर्सिटी को इनकैश कर ले रहे हैं, हमारी बायोडायवर्सिटी को, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को उठा के लेके जा रहे हैं और उस पर अपना ठप्पा लगा दे रहे हैं भैया कि ये हमारा है। अगर हम विजिलेंट नहीं रहे तो इस तरीके के हादसे हमारे साथ होते रहेंगे और हुए भी हैं, उन लोगों ने हमारी ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन वाली चीजों को छीनने की कोशिश की, हमारे टर्मरिक को और नीम को भी पेटेंट कराने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन इस बार हम विजिलेंट थे, है ना, इस बार हम तैयार थे, हम तुरंत पहुंचे कंपनी में और हमने क्या किया, वहां पहुंचते ही तुरंत जेब से हल्दी का 2 टुकड़ा निकाल के रख दिया, हमने कहा आप अगर बनाए हो तो ये हमको कौन देके गया बे, हमारे पास कहां से आया ये, है ना, आप तो कह रहे हो नया नया अभी अभी बनाए हो, ये कहां से मिला हमारे यहां भैया, है ना, और ये हमारे यहां अभी नहीं मिला, हमारी दादी के पास था और उनकी दादी को उनकी दादी ने दिया था मरने से जस्ट पहले ना भैया, तो ये हमारा है, ये हमारा है, ये आपका नहीं है। तो when other multinational companies try to have patent right over our traditional herbal medicines like neem and turmeric, हम विजिलेंट थे, हम वहां पे केस लड़े और जीते, हम उनको पेटेंट नहीं कराने दिए, बट अफसोस बासमती नहीं रहा, है ना, बासमती चला गया, है ना, यूनिक फेवर एंड एरोमा वाला बासमती चला गया, क्लियर भैया, तो आप एक लाइन बस यही और लिख लो, कौन सी बात भैया, दे हैव ट्राइड टू इनकैश आवर, दे हैव ट्राइड टू इनकैश आवर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिंस In cash, ENCASH, traditional herbal medicine like, दो चीजें लिख लो भैया, turmeric
एंड नीम, हमसे हमारा नीम और हल्दी छीनने की कोशिश किया है उन्होंने, लेकिन हमने उनको ये करने नहीं दिया। ये एक बार उन्होंने बहुत पहले पूछा था AIPMT में कि किस चीज को छीनने की, इसकी पूरी कहानी है, आपको कभी फुर्सत मिले तो गूगल पे या यूट्यूब पे बैठ के देखिएगा, इसको पेटेंट कराने की कितनी लड़ाई लड़ी थी मल्टीनेशनल कंपनीज ने, लेकिन इस बार हम विजिलेंट थे भैया, तो हमने ये काम करने नहीं दिया। हम लड़े और आखिरी दम तक लड़े, और अपने किसको बचाया हमने, ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन को। हमने कहा ये तो नहीं ले जाने देंगे, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप उठाकर ले गए हो, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। बहुत पुरानी बातें हैं भैया, आज की बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें। चलो भाई, मामला यहां तक क्लियर है। तो अब भैया हमने क्या किया, हमने इस हादसे से सीखा है ना, और ये किया, और इसको करने के बाद हम बिल्कुल चालाक हो गए, और सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया चालाक हो गई। पूरी दुनिया के लोगों ने अपने अपने देश में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए कि हमारी चीजों को कोई और यूज ना करने पाए, पेटेंट ना कराने पाए। और इसी प्रोसेस में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया इंडियन पेटेंट बिल, जो इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया, और अभी जल्दी रिसेंट में ही उसका सेकंड अमेंडमेंट आया है। ये लास्ट लाइन लिखिए भैया, इंडियन गवर्नमेंट बातें नहीं, इंडियन गवर्नमेंट हैव framed Indian Patent Bill और ये किस लिए किया गया था, ताकि कोई और पेटेंट न करा पाए, चोरी न करा पाए, इंडियन पेटेंट बिल। और अभी रिसेंट में जिसका सेकंड अमेंडमेंट आया है, ये याद रखना, सेकंड अमेंडमेंट, व्हाट इज अमेंडमेंट, चेंजेस भैया। इससे पहले सेकंड अमेंडमेंट क्या पूरी एनसीईआरटी में कहीं हुआ है किसी चीज में, एमटीपी का सेकंड अमेंडमेंट हुआ, इससे पहले सेकंड का जिक्र नहीं है, न्यू अमेंडमेंट उसमें किया गया। पहले क्या था रूल, एक डॉक्टर 3 महीने तक, अब क्या है रूल, 2 डॉक्टर 6 महीने तक। ये नया अमेंडमेंट हम लेकर आए भैया, ठीक है। तो इंडियन, सारे देश के अलग अलग कंट्रीज ने अपनी देश की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए पेटेंट बिल्स बनाए। इसी कड़ी में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन पेमेंट बिल बनाया, पेमेंट नहीं पेटेंट बिल बनाया, जिसमें हम रिसेंटली सेकेंड अमेंडमेंट लेकर आए हैं। जस्ट अभी अभी सेकेंड अमेंडमेंट हमने लॉन्च किया है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड दैट्स ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। पूरी बायोटेक्नोलॉजी आपकी खत्म हुई, लिख लो भैया वो लाइन, देन हम स्टार्ट करेंगे क्या करना भैया, क्वेश्चंस करना। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी आना, ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं भैया, लाइन मत लगा देना बाथरूम के सामने, है ना भैया। एंड जो लोग भैया रोक सकते हैं, काइंडली हैव सम पेशेंस, थोड़ी देर, आधे घंटे रोक के रखो, क्योंकि वहां भैया 2 ही बाथरूम है, लाइन लग जाएगा। एक और बाथरूम होना चाहिए, हाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो गई भैया, और अभी कहां भीड़ है ना, हाँ लेकिन ऊपर वाला फ्लोर रेडी हो रहा है ना भैया, अभी तो सब जाने शुरू, एक पूरा रूम बाथरूम चाहिए ना, जैसे पब्लिक टॉयलेट टाइप का है ना भैया, हाँ ठीक है, चले भैया। तो ये भैया आपका चैप्टर फिनिश हो गया, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर फिनिश हुआ एप्लीकेशन वाला, और बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट खत्म हुई। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे भैया, एंड उसको अब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बंद कर दिया जाए भैया, बायोटेक्नोलॉजी खत्म हुआ आपका।